ये जो मिठाई हुई है सर, तो उनको लगता है कि उनको जो कानून पे जो भरोसा था उनको थोड़ी सी चोट पहुंची, उनको लगता है कि कानून से उनको न्याय नहीं मिला या भरोसा जो होता है नजर आ रहा है। क्वेश्चन शुरू हो गया। नहीं, उनको नहीं लगता, बल्कि पूरे देश में जो सच्चाई को और इंसाफ को मानते हैं उन सबको ये लगता है कि भाजपा की सरकार ने डोलेपन की पॉलिसी को अपनाया है। भाजपा की सरकार एक्यूज को इनाम देती है और जिनको इंसाफ चाहिए उन पर जुल्म करती है। प्रधानमंत्री देश से 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में तकरीर में महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात की, महिलाओं के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बातें की। उसी दिन भाजपा की गुजरात की सरकार ने उस महिला को जिसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसकी माँ को और 3 और महिलाओं को रेप करके उनकी हत्या कर दी, उन लोगों को भाजपा की सरकार अपनी रिमिशन पॉलिसी के तहत उनको छोड़ती है। और सबसे तकलीफ दे और देश को ये बात जब सुनेंगे तो देश हैरत होगी कि उस रिमिशन पॉलिसी की रिव्यू कमेटी में कौन था। एक का नाम था जनाब मूलचंदानी साहब, जो गोधरा के राइट्स में वो एक प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, और दूसरे उसमें बीजेपी भाजपा के 2 MLA थे। तो आप इनसे इंसाफ की कैसे उम्मीद रखते हैं? रिव्यू कमेटी के लोग तो 22 लोग थे, भाजपा के MLA हैं, वो तो भाजपा ही हैं, तो वो तो करेंगे, इन लोगों की तायिद करेंगे जो बिलकिस बानो का रेप किए, जो प्रेग्नेंट थी, वो तो उनके 22 ने दिखा दिया अपना। तो रिव्यू कमेटी नहीं है बल्कि शैम कमेटी है ये तो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है कि 15 अगस्त के दिन उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो रेप करते हैं, तो उसके खिलाफ भी भाजपा की गवर्नमेंट ने फैसला लिया। तीसरा, CBI के इन्वेस्टिगेशन पर उन लोगों को सजा हुई, तो क्या गुजरात की भाजपा की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से परमिशन लिया? कैसे भाजपा की सरकार किस मुंह से इस बात को कबूल करेगी कि एक महिला का जिसका रेप किया गया था, जिसकी बेटी को 3.5 साल की बच्ची का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया गया, उसके परिवार के 4 और महिलाओं का रेप करके मर्डर हुआ, उसको छोड़, उन लोगों को, आरोपियों को छोड़ देते हैं आप और उनको फूल बरसाया जा रहा है, और उसमें जो शख्स उनके साथ फूल उनको पिना रहा है उसमें तो एक कन्विक्टेड प्रिजनर है ख्वाजा अजमेरी के बम ब्लास्ट का, जो बाहर है अभी। तो गुजरात का चुनाव जीतने के लिए भाजपा की सरकार ने पूरे देश के उन मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जिनका रेप हुआ है, और प्रधानमंत्री को झूठा साबित किया उन्होंने। कहां किए जब आपने 2 दिन पहले हमसे इंटरव्यू लिया, आपके चैनलों ने चलाया उसको? बताइए कितने चैनलों ने चलाया, बताइए क्यों आप लोग खामोश हैं? आपके चैनलों पर जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती हैं उस बिलकिस बानो की। आए दिन महिलाओं पर जुल्म होता है, गलत बातें की जाती हैं, कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिलकिस बानो है कल किसी से भी होगा। फिर ये बिलकिस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। तो सर आप लीगली जाएंगे क्या? लीगली छोड़िए, लीगली हम कब तक चलते रहेगा? लीगली मॉरली कहां क्या होगा? अरे पार्लियामेंट सेशन कब होगा? दिसंबर में होगा, जब तक फिर वो लोग मिठाई खाते फिरते रहेंगे क्या? वो क्या कहा उसने बिलकिस बानो ने, क्या मैं सुकून से जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी? उसने कहा कि दोबारा वो जख्म मेरा जिंदा हो गया है। क्या भारत की प्रधानमंत्री और भाजपा चाहती है कि हर मुस्लिम महिला उस जख्म को याद करे जिसका रेप हुआ था? क्लोजर होगा नहीं होगा बिलकिस बानो का? सर आपने कहा कि बीजेपी गुजरात के चुनाव को ध्यान में रख के ये
यकीनन इसीलिए कर रही है क्योंकि भाजपा ये दिखाना चाह रही है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो जेल में है, हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। ये गुजरात के चुनाव के लिए भाजपा सब कर रही है। इससे पहले गोधरा के एसआईटी में क्लीन चिट मिलता है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, अभी ये उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री बन गए। उस समय के मुख्यमंत्री के दौर में बिल्किस बानो का रेप हुआ, वो प्रधानमंत्री बन गए, मगर बिल्किस बानो आज भी वहीं पर रोड पर पड़ी हुई है। तो फायदा किसका हुआ? बिल्किस बानो का नुकसान हुआ या फायदा, सोच लो आप। प्रधानमंत्री को हम आपके बड़े चैनलों के जरिए हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, बिल्किस बानो से अपील के इंसाफ करो, आप हमारी बात प्रधानमंत्री सुन लेंगे क्योंकि आपका चैनल देखते हैं प्रधानमंत्री रोज, उनके पास रिपोर्ट जाती है कि कौन क्या बोला कौन क्या नहीं बोला। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आपके जरिए से सुनेंगे इस बात को और इंसाफ करेंगे। बिल्किस बानो से इंसाफ करिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ऐसे लोगों को रिमिशन ना दिया जाए जो रेप करते हैं। प्रधानमंत्री की सरकार की पॉलिसी और गुजरात की सरकार की पॉलिसी अलग कैसे होती है? सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया तो क्या मिनिस्ट्री होम अफेयर्स ने उसको इजाजत दी उनको छोड़ने की? और उस रिमिशन कमेटी में कौन थे? दो भाजपा के एमएलए और एक मिस्टर मूलचंदानी जो गोधरा के विटनेस हैं, जिनके विटनेस पर लोगों को सजा हुई। तो ये लोग बायस थे ये लोग। देखिए हमने कानून में जो भी तब्दीली लाना चाहिए जिससे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का और जो इक्वालिटी का रीजनेबल टेस्ट है उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं तो बराबर करना चाहिए, बशर्ते कि हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और रीजनेबलनेस का जो टेस्ट है इक्वालिटी का उसे सेटिस्फाई करते हैं। Where do I stand? I stand with Bilkis Bano. Where do you stand? You are not standing with Bilkis Bano. As far as Rohingya issue is concerned, you must listen to the. Please follow the tweet of the Union Minister, Mr. Puri. Mr. Hardeep Singh Puri says, India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision, all Rohingya refugees will be shifted to EWS flats in Bakarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs and round-the-clock Delhi police protection. Secondly, I quote CNBC TV 18, which quotes ANI, and CNBC TV 18 says the ANI has said that at a high-level meeting chaired by Delhi's chief secretary was held in last week of July in this regard, with senior officials from Delhi government police in attendance. The chief secretary of Delhi and Delhi police are answerable to Union Home Ministry. I am quoting CNBC TV 18, which quoted ANI. They have said this, that a meeting was held in July, and then Mr. Hardeep Singh Puri, who has also been our India's, who has served in India's foreign service, who represented India in the United Nations, he is saying, how can a union minister say this without the concurrence of the Prime Minister and this government? Mr. Hardeep Singh Puri had the clear-cut concurrence of his government, and he has called those Rohingyas as refugees, and they'll be given UNHCR card. Immediately we see after a few hours that Ministry of Home Affairs denies it, and then Mr. Hardeep Singh Puri has to face this embarrassment of saying, oh, that is right. What is the policy of Union government? Yes, it is a fact that we have, as of August 2020, we have 18,914 Rohingyas were registered with UNHCR in India. And India has agreed to the non-refoulement policy. That is why it is high time that the Prime Minister and his government come out clearly on this policy. And please understand that India is a member of the UNHCR XCOM committee.
एक्सकॉम, वी आर मेंबर ऑफ दैट इंडिया इन यू नो इफ यू फॉलो द इंटरनेशनल लॉ द जस्ट इंडिया हैज इज अबाइडिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट ड्यू टू इट्स जस्ट कॉगन्स कैरेक्टर. इट इज देयर, इट इज क्लियर कट, इट इज देयर. ये देखिए, एक कैबिनेट के एक यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब, जो आईएफएस के ऑफिसर सर्विस में भी रह चुके हैं और बड़ी काबिलियत के साथ भारत की नुमाइंदगी यूनाइटेड नेशंस में की, जब वो आकर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, उनको रेफ्यूजी कहते हैं और कहते हैं कि यूएनएचसीआर कार्ड उनको मिलेगा और दिल्ली पुलिस उनको प्रोटेक्शन देगी, फिर अचानक ये यूटर्न क्यों हुआ? वो बताएं, बीजेपी की सरकार यूटर्न क्यों हुआ? वो क्यों अपने मिनिस्टर को झूठा साबित कर रहे हैं और क्यों पूरे विश्व में भारत का एक मजाक बना रहे हैं? सर, नॉन रिफ्यूल मूवमेंट मतलब आप उनको देना नहीं चाहिए क्या? उनको प्रोटेक्शन देना नहीं चाहिए क्या? मतलब ये यूटर्न, पूरे यूटर्न मतलब बोलना क्या चाह रहे सर आप? नॉन रिफ्यूल मूवमेंट आप मतलब उसमें मेंबर है तो उसके हिसाब से क्या करना चाहिए? बाकी के रेफ्यूजीज पे जो देयर आर अदर रेफ्यूजीज टू, कौन से दूसरे 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 पाकिस्तान फ्रॉम बांग्लादेश रोहिंग्या, सो इवन दे आर स्टेइंग इन इंडिया, सो व्हाट डू यू डिमांड? नो आई एम ओनली सेइंग दैट इंडिया accepts the non-refoulement policy. India has signed but not ratified. Let me be clear with you, because you might get someone at 9 p.m. and that fellow will be shouting at me for no reason whatsoever. He'll be a thumbs up, I know for sure. India has signed the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. We have signed but not ratified. And India has the ratification of CAT spending. At what is the Article 80 of VCLT? Please read that. What is the Supreme Court has said in Ram Jethmalani v. Union of India 2011? Please read that. What is has been said in various courts? That also has to be seen. देखिए, इंडिया हैज बीन ऑन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द यूएनएचसीआर इन जेनीवा सिंस 1995 है ना, हम लोग है ना, तो फिर ये सरकार को तय करना चाहिए. जस्ट कोगन्स है, हम मानते हैं उस बात को, हम मेंबर हैं एस्कॉन के, भारत मेंबर है. रोहिंग्या के साथ क्या करना चाहिए? रोहिंग्या, अरे आप सरकार बताए क्या करना चाह रही है? सरकार बताए ना सर, क्या बताइए, क्या करिए सरकार? आप लोग सरकार की मालिश मत करिए. सरकार यूटर्न ले ली सर. अरे क्या क्या यूटर्न ले रहे? एक मंत्री उनको रिफ्यूजी कहता है, एक मंत्री कहता है कि यूएनएचसीआर कार्ड मिलेंगे, दिल्ली पुलिस उनकी मदद करेगी, उनको घर दिए जाएंगे, तो क्या वो बगैर प्रधानमंत्री से पूछ कर सकता है? कोई हिम्मत कर सकता है क्या प्रधानमंत्री बगैर प्रधानमंत्री से पूछे हरदीप सिंह पुरी की इतनी हिम्मत के वो स्टेटमेंट दे दे? मजाक कर रहे हैं वो लोग. किसके दबाव में सर यूटर्न लिया फिर सरकार ने? कौन है वो शक्ति जो सरकार को यूटर्न लेने के लिए मजबूर कर? नहीं मालूम प्रधानमंत्री किससे डर गए हमको नहीं मालूम. ये अचानक ये इनविजिबल हाथ किसका है नहीं मालूम हमको. ये इनविजिबल हाथ किसका है? नहीं ये गायबी हाथ किसका है जिससे प्रधानमंत्री डर गए? एक बात हमको बताइए, क्या आप लोग बगैर अपने एडिटर को पूछे को रिपोर्ट फाइल कर सकते? कर सकते हैं, चला सकते? जैसे आपने बिलकिस बानो का ले लिया, अमर नहीं चला एडिटर, आपका बोला कि नहीं चाहिए. नहीं सुनिए, एक बार सुनिए, नहीं चला है ना आप पर? चला है, आपने चलाया होगा, दूसरे नहीं चला है, क्योंकि आप तो अपना काम कर दिए. यहाँ पर भी ऐसी हो गया सर. एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर, कश्मीर में घाटी में असेंबली चुनाव में बाहरी लोग भी मतदान कर सकते हैं. फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग उस पर बुलाई है, आपका क्या व्यू? मैं भारत सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि पिल्ले साहब कौन थे? भारत के होम सेक्रेटरी थे. एपी शाह कौन थे? जज थे. निरुपमा राव कौन थे? फॉरेन सेक्रेटरी थी. उनकी रिपोर्ट पढ़ी है ना? भारत सरकार पढ़ती क्यों नहीं उनकी रिपोर्ट? वो छोड़ दीजिए, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट कह रहा हूं आपको, पटगांवकर साहब की पुरानी रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है. उसमें क्या कहा गया? उसमें 52 पेजेस रिपोर्ट है, पढ़े भारत सरकार और आप टिप्पणी करें उसके ऊपर. कश्मीरी पंडित क्यों मारे जा रहे हैं हमको बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है?
क्यों कश्मीरी पंडित भागना चाहते हैं कश्मीर से, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारत सरकार और वहां के एलजी हैं। आप कश्मीर फाइल्स बना दिए, बनाकर कश्मीरी पंडितों को वल्नरेबल कर दिया आपने, वहां पर पिक्चर का प्रमोशन किया, मगर आपने कश्मीरियों को जान नहीं बचा पा रहे। आपने कश्मीरी पंडित के नाम पर रोक तो ले लिया, मगर उनको आप हिफाजत नहीं कर पा रहे, उनकी कौन जिम्मेदार है उसका? और आपने जो डिलिमिटेशन करा वो जेरीमेंडरिंग है, वो जेरीमेंडरिंग है वो। कश्मीर फाइल आपने इतना बनाया, इतना बनाकर पेश किया भाई, थिएटर में जब लोग कश्मीर फाइल देख रहे थे तो क्या भाजपा के लोग नारे नहीं लगा रहे थे? क्या मोहब्बत के नारे लगा रहे थे कि फूल बरसाओ भारत? किसके ऊपर नफरत के नारे लगा रहे थे? क्या इसका असर नहीं पड़ता है वादी में? ये सरकार हर चीज को एक एक इशू की तरह देखती, हेडलाइन मैनेजमेंट तरह देखती है, मगर इसका देखती नहीं उसको ग्राउंड पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। सर लेकिन ऑस्कर में भेजने की बात हो रही है कश्मीर फाइल्स, ऑस्कर में भेजने की बात हो रही है कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स में क्या गलत था? उसको देख के डरने की क्या जरूरत है? डरने की बात नहीं, नफरत की बात है उसमें। एक समुदाय के खिलाफ आप नफरत के नारे लगा रहे हैं थिएटर में, अच्छी बात है वो, आपको पसंद है बात वो? नहीं नहीं सुनिए, आपको नहीं, पिक्चर देखकर जो नारे लगाए जा रहे थे वो क्या था वो? आपने कश्मीरी पंडितों को पिक्चर के लिए इस्तेमाल किया, मगर वोट के लिए इस्तेमाल किया, मगर आप जान की बात नहीं कर रहे। बनाइए उनकी मौत पर पिक्चर, बनाइए दोबारा बनाइए, क्यों मर रहे हैं कश्मीरी पंडित कश्मीर में, कौन जिम्मेदार है उसका? आपने कश्मीर की पॉलिटिक्स को पूरा खत्म कर दिया। कश्मीर की पॉलिटिक्स क्या है बताइए, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है कश्मीर की? आंकड़े देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के जमाने में और मनमोहन सिंह जमाने में, बताइए आंकड़े चलाइए, आप मैं झूठ बोल रहा हूं तो चलाइए आंकड़े दिखाइए। आपने मुद्दा बनाया ना इसको पिक्चर बनाकर, आपने अपने प्यारों से वजह से तो किलिंग्स नहीं हो रही है ना सर। एक वजह वो भी है, मिस गवर्नेंस है, गलती है, पिक्चर भी एक वजह है। आपने कश्मीरी पंडितों को उनके नाम पे दूसरे प्रदेशों में वोट लिया, 370 हटाकर आपने क्या कहा था, भाजपा ने क्या कहा था, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? अभी भी पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं पड़ोसी मुल्क से, मार रहे ना सर, बहुत लोगों को मार रहे। हाँ तो आ रहे तो रहे हैं ना, माशाल्लाह आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे सच साबित कर दिया। अरे नहीं आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? आप आने दे रहे क्या उनको? एक और इशू है सर, जहाँ पर ये एक नारेबाजी हुई, आप गुजर रहे थे उसके खिलाफ नारेबाजी हुई आपके सामने, आपके खिलाफ 15 अगस्त के दिन, उस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? भाजपा वाले बोले, भाजपा वाले बोले, सुनिए भाजपाइयों को जानना चाहिए कि जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्ना के खिलाफ खड़े हुए थे तो जिन्ना की सोच रखने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद गद्दार कहते थे, आज वही जिन्ना की सोच वाले हमको गद्दार कह रहे हैं, समझे ना आप? जब लोग भारत की पार्टीशन के खिलाफ वो मुसलमान लड़ रहे थे जिन्ना के खिलाफ, तो जिन्नावादी सोच रखने वाले, गोडसे वाली सोच रखने वाले ऐसे ही गद्दार बोलते थे। तो आज भी जिन्ना की सोच के लोग जिंदा हैं, उनके जानशीन जिंदा हैं, उनके लुत्फे से पैदा होने वाले आज भी जिंदा हैं, क्या कर सकते हैं? भारत माता की जय नहीं बोलते इसलिए वो नाराज हैं। अरे भाई तुम जो बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, गोली मार दो, क्या करोगे तुम? गोली मार सकते ना, तुम्हारी काबिलियत गोली मारना है, मेरी काबिलियत सच्चाई को बयान करना है, और तुम्हारे सामने से गुजरा हूं फिर गुजरूंगा, हिम्मत है तो रोक के देखो मेरे को। तुम्हारे नारों से क्या हम खामोश हो जाएंगे? 1945-44 में भी ऐसे ही करते थे मुस्लिम लीग के लोग, जो पार्टीशन के खिलाफ थे उनकी गाड़ियों पर हमला करते थे, नारे मारते थे, मौला हुसैन अहमद मदनी के ऊपर हमला किया था इन्होंने, यही जिन्नावादी सोच रखने वाले लोग। तो आज भी जिंदा है वो लोग, हमको उससे मतलब नहीं, हमारा रास्ता चलता रहेगा, हम जब चलते रहेंगे तो पुकारो कितना पुकारोगे। जिन्नावादी गोडसेवादी तो है ना, जिन्नावादी देखिए लोग जो नारे लगा रहे हैं
75 साल की आजादी का हम जश्न मना रहे हैं, उस दिन उनको जिन्ना की सोच में नारे लगाते हैं तो उनको जिन्नावादी कहेंगे तो क्या कहेंगे, उनको गुटसेवादी नहीं कहे तो क्या कहेंगे उनको। रहा सवाल आपका सवाल मैडम सावरकर के बारे में, जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में सावरकर को गांधी की हत्या में एक मुजरिम करार दिया है कि उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो जिस जो गांधी की हत्या में जस्टिस कपूर कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनाई गई थी, जस्टिस कपूर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी रिपोर्ट कह रही है। अरे तुम्हारे को नहीं मालूम तो हिस्ट्री तुम क्यों बकबक करते यार तुमको? सर उनका रोल अपन इग्नोर नहीं कर सकते ना सर, किसमें इग्नोर नहीं कर सकते? फ्रीडम फाइटिंग, हाँ यकीनन, मर्सी पिटीशन में 5-5 मर्सी पिटीशन लिखे, इग्नोर नहीं किया जा सकता उसको ना, बिल्कुल। हिंदुत्व किताब लिखे, इग्नोर नहीं किया जा सकता उसमें, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। कौन कह रहा है इग्नोर करने के लिए, हम तो सच्चाई बयान कर रहे हैं आपको। सर अब तो हर जगह वीर सावरकर के पोस्टर्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र हो, हाँ हम उन लोगों से कहेंगे जस्टिस कपूर कमीशन रिपोर्ट पढ़ो, हम क्या महात्मा गांधी की हत्या में उनका रोल रहा है, गोडसे सावरकर से मिलकर महात्मा गांधी की हत्या करने दिल्ली गया था, ऊपर गया था घर के ऊपर, किताब में लिखा हुआ है, फैक्ट है। अब आप लोग गोडसे की तायद कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें, आपको किताब भी दिया पढ़ने के लिए, आप पढ़ ही नहीं रहे। आपको मैं किताब दिया, जा साहब की किताब पढ़िए कि उसमें फैक्ट लिखा हुआ है गोडसे के बारे में, और जितने गांधी की हत्या करे वो कम गलीज कैरेक्टर के लोग थे, औरतों को धोखा देते थे, एक से मोहब्बत करते थे, एक से मुंह काला करते थे, जो महिलाओं से वफा नहीं कर सके यकीनन वही लोग गांधी को कत्ल कर सकते हैं, और उन्होंने कत्ल किया गांधी को। थैंक यू सर।